बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंडिया स्टेट्स मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज जो पेपर अमल करने की कोशिश करते हैं वो पेपर असिस्टेंट का पेपर है। दोस्तों, ये पेपर वर्कर चिल्ड्रन बोर्ड केपीके में 29/12/2020 को हो चुका है। आज इसका पार्ट वन अपलोड करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करता हूं कि 3-4 पार्ट्स में पेपर को कंप्लीट करूं। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाले आइकन को भी क्लिक करें और वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर लाजमी क्या करें। तो शुरू करते हैं पेपर। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास पेपर है, क्वेश्चन नंबर 1 जरा देखें। एक से लेकर 20 तक जो एमसीक्यूज है वो इंग्लिश के हैं। तो यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया फिलिंग द ब्लैंक से, पावर्टी गुर्बत को कहते हैं, पावर्टी कैन एनीवन। तो यहां देखें ऑप्शन डी को, इफेक्ट। एक होता है इफेक्ट, ऑप्शन ए देखिए जरा, इफेक्ट इसके मानी है असर, और ये ऑप्शन डी जो है ना इसके मानी है असर करना। ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो यह हमारा मतलब पॉवर्टी कैन इफेक्ट एनीवन रिगार्डलेस ऑफ एज, रेस, जेंडर और सोशल बैकग्राउंड। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। ग्रेट जनरल स्टार्ट अ बैटल प्लान विद अ क्लेवर स्ट्रेटेजमेंट। स्ट्रेटेजमेंट ऑप्शन बी को देखें, स्ट्रेटेजिम। स्ट्रेटेजिम के मानी है चाल चलना, प्लान, स्कीम भी आप इसको कह सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन डी लगता है। ग्रेट जनरल स्टार्ट अ बैटल प्लान विद अ क्लेवर स्ट्रेटेजिम टू डिसीव द एनिमी। डिसीव मानी धोखा देना। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। मैनी ऑफ द हाउसेस इन मरी हैव बेसिक एमिनिटीज। ऑप्शन ए लगता है। एमिनिटीज के मानी है सहूलियात। ऑप्शन बी एक्यूरेसी दुरुस्तगी को कहते हैं, ऑप्शन सी एपेनिटी ताल्लुक को कहते हैं, अरे अरे एक सिलसिले को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें दोस्तों। इट इज आवर मॉरल ड्यूटी टू आवर वोट इन जनरल इलेक्शन। ये हमारा अखलाकी फर्ज है कि आम इंतखाबात में वोट को कास्ट करें। ऑप्शन बी। कास्ट के और मानी भी हैं लेकिन यहां कास्ट वोट डालना। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। नो वन कैन बी हैप्पी ऑल द टाइम बट दैट्स नो एक्सक्यूज फॉर बीइंग क्यूरियस। ऑप्शन डी लगता है यहां पर। जिंदगी में कोई भी कभी खुश नहीं रहता, हर वक्त खुश नहीं रहता। तो क्यूरियस का मानी है बंदा जो पुरजोश हो ना, तो कहते हैं ये इसके बहाना तो नहीं कि बंदा हर वक्त ऐसा ही रहे। क्वेश्चन नंबर 6 देखे। एंटोनिम ऑफ एब्रीविएट। एब्रीविएट मानी मुखब्बब करना, मुख्तसर करना। तो इसका मुतजाद हो गया एक्सपेंड।
ऑप्शन बी व सी करना। और क्वेश्चन नंबर 7 देखें, एंटोनिम्स ऑफ ऑकवर्ड की हार्ड टू डू समथिंग अनस्किलफुल को हम कह सकते हैं, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है, स्किलफुल। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए दोस्तों, एंटोनिम्स ऑफ एमिएबली, एमिएबली के मानने को देखिए जरा, एमिएबली को लव के तौर पर लिया जाता है, इसमें ऑप्शन सी जो है ना हेटफुल, काबिली नफरत, तो एंटोनिम इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। और क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, एंटोनिम्स ऑफ एड्रॉइट, एड्रॉइट चुस्त बंदा जो होता है, माहिर होशियार, तो इसका एंटोनिम अनस्किलफुल, जो माहिर नहीं होता, ऑप्शन डी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए दोस्तों, एंटोनिम्स ऑफ एक्जियम, एक्जियम कहावत को कहते हैं, तो इसका एंटोनिम ऑप्शन सी देखें, एब्सर्डिटी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, सिनोनिम ऑफ कॉलमनिएट, कॉलमनिस्ट जो से निकला है कॉलमनिएट, इसके मानने के हैं झूठा इल्जाम लगाना किसी पर, और हमसे सिनोनिम मांगता है मुतरादिफ, तो इसका मतलब ऑप्शन ए टू अक्यूज फॉल्सली, झूठा इल्जाम लगाना, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए दोस्तों, सिनोनिम ऑफ एम्पेड, एम्पेड इसके माने भी है रुकावट, हर्डल, तो इसके सिनोनिम हो गया ऑब्स्ट्रिक आर हैंडर, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, सिनोनिम ऑफ फिगमेंट, इसका सिनोनिम ऑप्शन सी इन्वेंशन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, 14 आप पिक द करेक्ट सेंटेंस, अब इसमें से करेक्ट सेंटेंस का इंतखाब करना है दोस्तों, तो ऑप्शन ए लिखा हुआ, आई कैन नॉट बी ब्लेम्ड ऑन अकाउंट ऑफ योर ट्रबल, ऑप्शन बी, आई कैन नॉट बी ब्लेम अगेंस्ट योर ट्रबल, नहीं, ऑप्शन सी को देखते हैं, ऑप्शन सी, आई कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर, ये फॉर ब्लेम के बाद फॉर लगता है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है इसमें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 को देखें दोस्तों, पिक द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस ही शुड नॉट हैव डन इट, इसमें करेक्ट सेंटेंस ऑप्शन ए ही है, बाकी भी पढ़ लो दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 15 वो पहला वाला 15 था, अब 16, पिक द करेक्ट सेंटेंस, 16 में करेक्ट सेंटेंस देखे, देयर इज मेल फॉर, देयर इज मेल्स, देयर आर मेल फॉर यू एट, देयर इज अ मेल, ऑप्शन सी लगता है इसमें करेक्ट है, देयर इज अ मेल फॉर यू एट द ऑफिस। और क्वेश्चन नंबर 17 देखे, 17 नंबर, शी सेड टू द प्रिंस, मे यू लिव लॉन्ग, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है, She prayed for the prince that she might live long. और क्वेश्चन नंबर 18 देखें, 18 नंबर क्वेश्चन को, He will be arriving quite late, so by the time he comes, the play will have begun. ऑप्शन सी लगता है इसमें, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी लगता है। और क्वेश्चन नंबर 19 को देखें, I said to him, to her, ये हर है, why are you sleeping,
तो इसमें देख के आई आस्क हर व्हाई शी वाज लीविंग, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 15 देखे, जिल जाहिद प्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ बोल्ड जर्नलिस्ट बाय आस्किंग पीपल इन पॉलिटिक्स द काइंड्स ऑफ क्वेश्चन दैट अदर रिपोर्टर डू नॉट, कंट्रोवर्शियल, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। तो इंग्लिश पार्ट खत्म हो गया दोस्तों, बाकी इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड कर लेंगे, मुश्किल इसमें इंग्लिश ही होता है। और ये थे आज की वीडियो, पसंद आने की सूरत में प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।